हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं जो कि लगभग 100 रुपये के आसपास का शेयर है। काफ़ी अट्रैक्टिव ये शेयर नज़र आता है। कभी 3 रुपये का शेयर हुआ करता था, आज लगभग 120 रुपये 125 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है। ऑल टाइम हाई भी इसका 180 रुपीज़ का है। और गवर्नमेंट ऑन कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी है, और स्मॉल कैप कंपनी में मैं हमेशा आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि स्मॉल कैप कंपनी भागती भी तेज है, गिरती भी तेज है, तो उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है काफ़ी ज़्यादा होता है। और एज वेल एज मैं आपको बात करूं कि कंपनी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखाई देती है हमें ऐसी कंपनीज में, बट इसका चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा है ऑल टाइम। और एज वेल एज एक गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, और गवर्नमेंट ऑन कंपनी ऐसी कंपनी आपने देखा होगा गवर्नमेंट की मोस्टली कंपनीज में डेट भरा रहता है। ओके, बैलेंस शीट अच्छी नहीं होती, बट इस कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। एज वेल एज हम बात करें तो ये कंपनी बैंक कि जितनी बैंक जितना एफडी में देता है ना आपको, उससे उसके ज़्यादा या उसके बराबर तो आपको ये डिविडेंड ही देता है हर साल। और कंपनी बोनस भी देती है, तो कंपनी मोस्टली सब कुछ अच्छा देती है। और बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, और मल्टीपल इसके बिजनेस है। ओके, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो ये कंपनी ये कंपनी मुझे लगता है कि काफ़ी अलग कंपनी है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस मॉडल भी है और बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है। तो आइए इसी से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज अब बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट्स करिए अगर कोई वीडियो आप चाहते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज का परफॉर्मेंस। तो देखिए, 52 वीक लो की बात की जाए तो लगभग 69 रुपीज़ का था 13 मार्च को। 14 जून को ये 136 रुपये के आसपास कम चल रहा था। और मैं आपको जैसे कि बताना चाहता हूँ कि लगभग इसी के 52 वीक हाई के आसपास ये कंपनी चल रही है। तो अच्छी कंपनी यही होती है कि गिरती है तो भागती भी है और उसी के बराबर पहुँचती भी है। तो देखिए, 6-7 महीने में ये शेयर लगभग जितना गिरा था, हाफ गिरा था और हाफ के बराबर ये पहुँच चुका है। और 25% की देखिए यहाँ पर डिलीवरीज आज की डेट में उठाती हुई नज़र आ रही है। और सारे के सारे मोस्टली शेयर पब्लिक के पास है, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी है, डोमेस्टिक भी है, एज वेल एज कुछ आई थिंक म्यूचुअल फंड में भी ले रखा है। जैसे कि मैंने कहा था कि कंपनी देखिए, कंपनी का शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपये के आसपास। तो 100 रुपये के आसपास अगर 7 रुपये का आपको डिविडेंड देता है, सर मतलब 7 रुपये 7%, 6% 7% का यहाँ पर आपको डिविडेंड दे रहा है, मतलब बैंक की एफडी के बराबर तो आपको यहाँ पर केवल डिविडेंड दे रहा है। एज वेल एज देखिए, बोनस भी दे रहा है कंपनी ने। बोनस 1:2 का बोनस अभी 2019 में दिया है। ओके, एज वेल एज बात की जाए यहाँ सितंबर 2019 में, तो देखिए 11 रुपये का ये यहाँ पर 2019 में क्या डिविडेंड दिया है, 10 में भी दिया है। ओके, 2018 में भी दिया और 2017 में भी दिया है। तो यहाँ पर अगर प्रोमोटर्स के पास कोई होल्डिंग नहीं है तो देखिए प्लेस भी कोई शेयर नहीं होने वाले। तो ये तो बात हो गई सारी की सारी। ये एज वेल एज हम अगर बात करें चार्ट पैटर्न की, देखिए 1 डे का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव, 5 डेज का चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए 100 रुपये के आसपास का शेयर चल रहा था, आज 121 रुपये पे है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए, 1 मंथ में भी लगभग अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं। 6 मंथ में भी अच्छे खासे रिटर्न्स आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे ईयर टिल डेट। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में यही होता है कि गिरता और तेज भागता वॉलीटिलिटी हमें अच्छा खासा दिखाई देती है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो लगभग 180 190 के आसपास का ऑल टाइम हाई है। और मैक्सिमम जैसे कि मैंने कहा था, मैक्सिमम देखते हैं चार्ट पैटर्न, तो मैक्सिमम देखिए कंपनी काफ़ी बेहतरीन हमें नज़र आती है। वॉलीटिलिटी देखिए, वॉलीटिलिटी तो कंपनी में होगी, गिरती है पॉजिटिव, गिरती है बढ़ती है, गिरती है बढ़ती है। यहाँ पर भी देखिए कंपनी 2018 में भी गिरी थी, ओके 62% तक, बट उसके बाद जो भागी है तो क्या भागी है। अगर हम मैक्सिमम अगर रिटर्न्स देखें कि अभी तक कंपनी ने मैक्सिमम कितने रिटर्न्स दिए, अगर हम शुरू से देख के और ऑल टाइम हाई तक अगर देख लेते हैं तो लगभग 5500-5600% के रिटर्न्स दिए। और अभी भी अगर हम देखते हैं ओके बोनस देती है कंपनी, तो 3600-3700% के रिटर्न्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो कंपनी का नाम तो देखिए बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड है। ओके, और अच्छा चार्ट पैटर्न है शुरू से, बॉटम से टॉप हम हमेशा देखते हैं कि अगर इस तरीके से कंपनी भाग रही है तो मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है। कंपनी का बिजनेस क्या है तो देख लीजिए, कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। तो बाल्मर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड इज अ पार्टनरशिप फर्म फाउंडेड इन 1867। देखिए 1867 मतलब जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम की एक कंपनी है। ओके, और स्कॉट्समैन दो स्कॉटमैन के थ्रू ये जॉर्ज स्टीफन बाल्मर एंड अलेक्जेंडर लॉरी, इनके नाम से ये कंपनी जानी भी जाती है। और इन्होंने ही इस कंपनी को फाउंड किया था
और अभी ये पब्लिक से मतलब गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अगेन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने ओन कर रखी है। और बात की जाए स्मॉल कैप कंपनियां 2000 करोड़ रुपए के आसपास का इनका पूरा मार्केट कैपिटल है। और अगर हम बात करें बिजनेस की, तो जैसे कि मैंने कहा था कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस मतलब, तो देखिए इट हैज 6 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, जैसे कि इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ग्रीस एंड लुब्रिकेंट्स, लेदर, केमिकल्स, ट्रैवल एंड वेकेशन, लॉजिस्टिक एंड रिफाइनरी एंड ऑयल फील्ड सर्विस विद ऑफिसेज स्प्रेड अक्रॉस कंट्री एंड अब्रॉड। मतलब हमारे देश में भी और दूसरी कंट्री में भी यहाँ पर इनके ऑफिसेज दिखाई देंगे, और ये सारी चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। तो काफ़ी अच्छी, काफ़ी पुरानी और काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग ये कंपनी नज़र आती है। तो अगर हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस, तो देखिए रिजर्व्स, देखिए कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन हैं, जो कंटिन्यूस बढ़ते नज़र आ रहे हैं। 1148 करोड़ रुपये के यहाँ पर रिजर्व्स है। डेट की बात की जाए तो नेग्लिजिबल डेट है, मतलब 10 करोड़ के आसपास डेट है, ओके, जो कि हमें घटते हुए मैनेजमेंट में नज़र आ रहा है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो देखिए कंपनी के पास 451.45 करोड़ रुपए के यहाँ पर कैश एंड बैंक बैलेंस है यहाँ पर। और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 129 करोड़, 130 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बेहतरीन मुझे गवर्नमेंट की ऐसी कंपनी नज़र आई है, जो कि इतना फंडामेंटली इनका मतलब बैलेंस शीट इतनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो और बिजनेस जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, प्रमोटर्स का कोई होल्डिंग नहीं है, पब्लिक ही इसकी शेयर होल्डर्स है। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर 1.44% और 73.49% की हिस्सेदारी यहाँ पर DIS ने ले रखी है, जिनमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, म्यूचुअल फंड्स भी है, अदर DIS भी है, और दस ने के पास रिटेल इन्वेस्टर का 25% की हिस्सेदारी है। एज वेल एज हम जैसे कि हम मैंने बताया था कि कंपनी डिविडेंड तो देखिए देती ही है। बोनस की बात की जाए तो कंपनी ने 4 बार बोनस भी दिया है, 2013 में दिया, 2016 में दिया है, 1990 में दिया है, और 2019 में भी। देखिए हर 3 साल में कम से कम ये बोनस भी देती आ रही है कंपनी, तो इसकी तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। स्प्लिट राइट इशू अभी तक कुछ आया नहीं है कंपनी का। देखिए PE केवल 20 का है, जहाँ मार्केट का PE 36 है, इसका PE केवल 20 का है। मार्केट कैपिटल ऑलरेडी अब मैंने आपको बता दिया है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% का है यहाँ पर। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं, तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है काफ़ी अच्छे हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम घटते हुए नज़र आए थे 270, अभी 365 करोड़ रुपए के सेल्स हुए हैं, ओके। एक्सपेंस की बात 337 का एक्सपेंस है, और फिर भी नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 23 करोड़ रुपए का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट भी निकाल के दिया है, जहाँ पर दूसरी बहुत सारी कंपनी लॉस में चल रही है। तो हमें हर चीज़ में ये कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, इसलिए मैं शेयर लाया हूँ। बट बिफोर इन्वेस्टिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर इस कंपनी के बारे में पूछ लीजिएगा, खुद की भी आप रिसर्च कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, ओके, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस।